अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, मेरा दिन का आगाज़ हो गया है और यहाँ मेरी जुनैरा भी अभी फ़िलहाल फ़्रेश हो चुकी हैं, आ रही हूँ। और देखिए मॉर्निंग का भी टाइम है और यहाँ पे काफ़ी अभी धूप आ गया है और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मार्केट वगैरह जाऊँ। और आ रही हूँ, आ रही हूँ। पूरा रूम भी नीट एंड क्लीन हो गया। और कहाँ चले गए थे मॉर्निंग में, आप कहाँ चले गए थे बेटा? आइए अंदर। इजियान कहाँ चले जाते हैं? तो वही मैं बोल रही थी कि अभी मैं सारा रूम क्लीन कर चुकी हूँ, अब मैं ज़ियान को खिलाऊंगी पिलाऊंगी। सारा घर साफ़ हो गया माशाल्लाह से। और ये जो कपड़ा कल मैंने वॉश किया था सबको तार पे से लेके भी आ गई है, फोल्ड करूँगी और जिसके जो जगह पे है वहाँ पे रख दूँगी। और ज़ियान आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए थे बेटा? हम आपको कितना आवाज़ दे रहे थे, मम्मा आपको कितनी आवाज़ दे रही थी। खैर आज मैं सोच रही थी कि मैं आज मार्केट जाऊंगी, धूप बहुत ज़्यादा है, सोच रही सुनैरा को लेके जाऊँ। आज कितना ज़्यादा धूप है बाहर में, आज क्या हमेशा भी इधर रह रहा हूँ, एक ट्राई कर रही हूँ। और ज़ियान को बहुत ज़्यादा भूख लग गया। और ज़ियान आओ, अब आप खाओगे ज़ियान को? नहीं सुनैरा आप नहीं रहो। ज़ियान और सुनैरा को खिलाने के बाद मैं आज जल्दी जल्दी, अब गिर जाओगे ना, लो 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 बेटा, आप इतना ऊंचा में क्यों खड़े होते बेटा, गिर जाओगे मेरे लल्ला। तो राजा बेटा हो गया, मेरा राजा बेटा हो गया, आ कर लो बेटा, राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, एक 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 बाइट, एक बाइट, लास्ट लास्ट, वाओ माशाल्लाह। अब आपको भी लेना है? नो नो बेटा, आप तो खाती नहीं हो ना। अच्छा आपको पेंसिल लेना, दे दो बेटा, बहना को दे दो, बहना को दे दो बेटा। माशाल्लाह मेरा ज़ियान बाबू का ब्रेकफास्ट डन हो गया, वेरी गुड। और आप कार पे बैठ के पानी पी रहे हो, आप कार पे बैठ के पानी पी रहे हो, वेरी गुड। कुछ भी करेगी तो आप लोग बदमाशी नहीं करना, आप लोग आराम से अपना टॉय से खेलो, ठीक है बेटा? ठीक है बेटी। जुनैरा, जुनैरा, पापा, पापा, जुनैरा, पापा बेटी, पापा। अलिफ इसको लिखो पहले, ऐसे इसमें बे का नुक्ता डालो, ऐसे अलिफ, एक मिनट बेटा, अलिफ बे, वैसे नहीं किए, अच्छे से कीजिए, आप अपना होमवर्क अच्छे से कीजिए। जुनैरा आप भाई को क्यों क्यों करती हो डिस्टर्ब? देखो इजियान कितना प्यारा बना रहा है। इजियान आप क्या कर रहे हो? अच्छा सर्किल सर्किल बना दो, अच्छा कैप से सर्किल बना रहे हो। इजियान आराम से बेटा, वन टू बनाओ, आपको नहीं 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 होमवर्क आप सही से करो, फिर आपका स्कूल ओपन हो जाएगा तो हम आपको क्या लेके जाएंगे, क्या दिखाएंगे कि मेरा बच्चा क्या करता है बाबा। जुनैरा आप भी पढ़ाई कर रही हो? जुनैरा की तो तबीयत नासाज है, मेरी बच्ची की तबीयत तो ख़राब है, नोजी नोजी आ रहा है। चलो हम इसका डन करवाते हैं, आज हम अभी होमवर्क इसका डन करवा देते हैं इजियान बाबू का, उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगी। इजियान आप क्या कर रहे हो, आप बहना को लेके बाहर जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो? माशाल्लाह मेरी जुनैरा बेटी क्या कर रही है, प्याला फेंक रही है गंदी बात, और इजियान बाबू तो ड्राइव कर रहा है। और मामा माशाल्लाह जोहर का, हाँ बेटा ले रही हूँ, जोहर का अजा हो गई थी तो मैंने नमाज अदा कर लिया और अब मैं कुरान पाक पढ़ूंगी, उसके बाद देखो कितने देर तक पढ़ते, फिर मुझे मार्केट के लिए भी निकलना है आज, आज मैं सोच के रखी हूँ। आइए बेटा आप गोदी आओगे? ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अब हम निकले। मैंने कर चुकी, अब आया पहन लिया और मेरी बहन आ गई है, दोनों बाबू घर पे है और अब मैं निकली। माशाल्लाह से मेरा नमाज भी हो गया, थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा और अब जा रही हूँ मार्केट के लिए, फिर जो भी लूँगी आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी। और थोड़ा देर ही वॉक करूँगी मैं, उसके बाद मैं ऑटो या रिक्शा कुछ लूँगी। ये है मेरा मोहल्ला, बहुत ही प्यारा है, वहाँ पे से भी शॉर्टकट रास्ता है जो मैं कल आई थी, वहाँ पे शॉर्टकट रास्ता है। और हाँ ये वाला रास्ता मेरा मोहल्ला का, यहाँ पे से अभी बहुत ज़्यादा तो दूर नहीं है, दो मिनट मुश्किल से चली होंगी, अभी दो पाँच मिनट और चलना है, उसके बाद फिर ऑटो या रिक्शा मिल जाएगा मुझे। अभी मेरा मोहल्ला, हम अभी वहाँ पर से आ रहे हैं और अभी वहाँ पे जाएंगे। और हाँ सनग्लास इसलिए मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा धूप है अभी
और मैं रोजे से भी हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्यास का फील ना हो, इसीलिए आंख में सनग्लास लगाए। अभी तक ऑटो मुझे नहीं मिला है। अच्छा हाँ, मुझे टोटो मिल गया। मैं ये ऑटो से उतर चुका हूँ और ये कचहरी रोड है और अब मैं दूसरा ऑटो करूँगी। एक मिनट बैठ रही हूँ। हाँ, मुझे ऑटो भी मिल गया, बहुत अच्छे से मिल गया। हाँ चलिए पुल पे। ये सेप्टिक पिन इग्नोर दिस। मुझे जल्दी जल्दी में ब्रश नहीं मिल रहा था, मेरे बाबू ब्रश कहीं रख गया था। खैर, मैंने अब दूसरा ऑटो पर बैठी हूँ और ये है कचहरी। आप यहाँ कभी देखें, ये है कचहरी। पुल पर जाएंगे। चलिए आप बढ़ाएँ। डॉगी है जो कि उसे बहुत अच्छा लगेगा। अंदर मैं सीपल छाया आई हूँ यहाँ कुछ स्नैक्स के लिए, सुनारा के लिए, और सुनारा ज्ञान को कुछ पेस्ट्री वगैरह ले लेती हूँ शाम के लिए। तो मैंने इस ज्ञान के लिए लिया है, इसमें चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों बोल रहे हैं। मुझे चॉकलेट लिए, ज्ञान को पसंद है। निकालो, देखिए वो कैसा जूती है। पसंद करूँ तो कौन वाला करूँ। यहाँ पे बाटा का शोरूम है और इसके पीछे मोबाइल का ग्लास वगैरह बहुत अच्छा देता है। अगर मोबाइल का ग्लास वगैरह मतलब रिजनेबल प्राइस रहता है और अच्छा दिखता है। अब थोड़ी देर में हम लोग बिग बाज़ार आ जाएंगे, जो कि अभी मैं नहीं जाऊँगी, पहले मैं ट्रेंड जाऊँगी। आसमान के लोगों के लिए हानिकारक है।
रेस्टोरेंट है, ये वाइट वाला प्लाजो मैं लास्ट टाइम राजगीर गई थी तो यहीं से ख़रीदी थी और बहुत प्यारा है। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, यहाँ पे बाय टू गेट 100% ऑफ पे है कुर्ती, बहुत प्यारे हैं, रफ़ यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं यहीं से लेती हूँ, पहनती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। मैं पटना अनीसा बाग जब वहाँ से शॉपिंग करती थी तब भी परचेस करती थी, और अभी बिहार शरीफ में भी अल्लाह का करम है कि ट्रेंड्स आ गया है जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे ज्वेलरी है, रिलायंस ज्वेलरी, अच्छा अच्छा कलेक्शन है, फिंगर रिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। ये हैंडबैग्स हैं, फिग ब्रांड के हैं, फ्यूज़न के हैं, और ये आई थिंक सॉक्स से ज़ियान के पापा रहते तो वो लेते हैं। ये स्कार्फ, लेगिंग्स, ऊपर बच्चे लोग का कलेक्शन है, मैं जाऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा है, मेरी बहन, छोटी वाली बहन जाती साथ में तो वो भी परचेस करती, उसे भी बहुत पसंद आता है ट्रेंड्स का कपड़ा। मेरी कुर्ती वगैरह सब अच्छा ही, कलेक्शन बहुत अच्छे आते हैं, आप आराम से कंफर्टेबली पहन सकते हो, रफ यूज़ कर सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ये ड्रेस। दुपट्टा वगैरह भी बहुत अच्छा है, इसका भी कपड़ा अच्छा है, ट्रेंड्स का फैब्रिक बहुत अच्छा रहता है। इसकी प्राइस 899, सिंपल अच्छा प्राइस है, रिजनेबल है। यहाँ पे भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये 1299 1300। सारे कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, कलर भी बहुत अच्छा, टील ग्रीन, नेवी ब्लू, या प्लाजो सेट्स, प्लाजो भी बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने भी लिया एक दो प्लाजो, आई थिंक तीन या चार कुर्ती लाई हूँ जो कि कल आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी, आज मैं काफ़ी थक गई थी। लेगिंग्स वगैरह, ये मैंने ये कुर्ती भी लिया है आज, ये मुझे बहुत काफ़ी पसंद आया, इसका कलर भी अच्छा डार्क कलर है, बच्चे लोग के लिए घर पे ये कलर ठीक है। मैंने ये वाला लिया एक, मैं जुमा को इंशाल्लाह पहनूंगी। इसकी प्राइस भी रिजनेबल है और कलेक्शन भी अच्छा लगा, मटेरियल वाइज सो सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा मटेरियल है इनका। मुझे भी पसंद है लेकिन उसे ज्यादा पसंद है। गर्ल्स के लिए भी टॉप वगैरह है यहाँ पे। अब मैं ऊपर जा रही हूँ सीढ़ियों से, पहुँच गई। वाह, यहाँ एसी फुल्ली चिल रहता, रोज़े का पता नहीं चला, वरना नीचे ऊपर थकावट बहुत हो जाती है। यहाँ देखिए बेबी बॉय, बेबी गर्ल, कितना प्यारा प्यारा छोटू छोटू सा टॉप है, बहुत प्यारा टॉप है, मेरी जुनैरा के लिए बहुत अच्छा लगेगा ये टॉप। ये देखिए डांगरी सेट, वाह बहुत अच्छा है ये सेट, मैं जुनैरा को लेके जाऊंगी तो जुनैरा के लिए ख़रीदूंगी इंशाल्लाह। ये भी देखिए बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन है, ख़ासकर बेबी गर्ल का ड्रेस बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरी प्यारी। ये तो 3 पेयर का सेट है, यहाँ कलेक्शन बहुत सारे आते हैं, आपको डेली वेयर भी ले सकते हो, जो सोबर सा कलेक्शन आता है, बहुत ही तामझाम नहीं रहता। देखिए सारे कलेक्शन सोबर सोबर है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहेगा, सोबर कलेक्शन है। बेबी गर्ल, बेबी बॉय, देखिए अब आ गया बेबी बॉय का कलेक्शन, मेरे ज़ियान बाबू का कलेक्शन यहीं पे है। मैं लास्ट टाइम गई थी तो ज़ियान के लिए शर्ट यहीं से लाई थी, और ट्राउज़र जॉगर बहुत अच्छा अच्छा रहता है, डेली वेयर में आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। ये लास्ट टाइम मैंने ज़ियान को ऐसा लिया था, यहीं से परचेस किया था, वो पहना भी था, काफ़ी अच्छा फैब्रिक था,
समर के लिहाज से बहुत अच्छा फैब्रिक रहता है यहाँ का। और ये हो गया ज़ियान के पापा की कलेक्शन का, वो रहते तो वो भी एक दो पीस कुछ ना कुछ तो लेते, टी शर्ट वगैरह उन्हें भी बहुत पसंद आता है। ये टी शर्ट कलर भी अच्छा है, उनके पास है ऐसा, वो ट्रेन से लिए थे लास्ट टाइम। फॉर्मल ड्रेस ज़्यादा रहते हैं ट्रेंड्स में, फॉर्मल फॉर्मल ड्रेस रहते हैं, लेडीज़ जेंट्स बच्चे सबका फॉर्मल बहुत अच्छा लगता है। बोलो ना, कलेक्शन बहुत प्यारा लगता है इन्हें यहाँ का। एक बार पहनने से इंसान को लगता है कि नहीं बार बार पहनेगा। देखिए बेबी गर्ल का क्या कलेक्शन है, बहुत प्यारे कलेक्शन, सोबर ड्रेस सोबर रहता है। अब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, देख लेती हूँ आ ही गई हूँ तो जेंट्स का कलेक्शन में क्या क्या है। वैसे ज़ियान के पापा तो थे नहीं साथ, वो रहते तो वो अपने लिए पक्का एक दो तो कुछ तो लेते हैं टी शर्ट वगैरह। यहाँ का वो जॉगर बहुत पसंद करते हैं, यहाँ का वो ड्रेस पहनते हैं, काफ़ी टाइम से मैं उन्हें देख रही हूँ वो पहन रहे हैं। और कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा है, टी शर्ट वगैरह भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, मटेरियल वाइज सब अच्छा है दुरुस्त है। मैं जा रही हूँ अब नीचे, क्योंकि जेंट्स का कलेक्शन मैं क्या करूँ देख के बाबा, मैं जाऊँ नीचे मैं बिलिंग वगैरह कर लूँगी। तो अच्छा है एसी तो इतना रोज़ा का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ज़ियान और ज़ुनैरा रहते तो काफ़ी मस्ती करते। चलो मैं अभी बिलिंग कर गई थी मैं देखी। मैं जब बिग बाज़ार की तरफ चलते चलते आई तो मुझे एक चीज़ पता चला कि यहाँ पे बिग बाज़ार तो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे क्या हो गया आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं चला, आज मुझे मालूम हुआ इतने दिनों के बाद मैं गई तो। ये राज रसोई रेस्टोरेंट है और उसके अंदर अब बिग बाज़ार का बैनर रहा करता था, जो कि अभी स्मार्ट बाज़ार करके लिखा हुआ, और शायद 3 मंथ के बाद बिग मतलब रीस्टार्ट होगा। और अभी बिग बाज़ार ने कैसा हो गया माहौल, अभी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, ये तो अच्छा खासा बिग बाज़ार हुआ करता था, अभी स्मार्ट बाज़ार हो रहा है, क्या जाने क्या है अंदर में। खैर मुझे पीनट्स बटर मिल जाए बस, पता मुझे ये सबसे मतलब भी नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा। बोला तो है कि ऊपर जाके देखिए मैडम, जाती मैं ऊपर गिफ्ट कर लूँ क्या, छोड़ो मैं लिफ्ट से नहीं कड़ियों से चलूँ। ये मैंने जो सामान लिया था उसका ये है, 3 नंबर मुझे मिला वो भी कागज़ में, देखती हूँ तो आ गई। सच्ची में एकदम चेंज हो गया, कैसा लग रहा उजड़ गया घर में, देखती हूँ। शरीफ के रहने वाले वो तो पक्का जानती होंगी मुझे, तो फिर इन्होंने कह दिया ऊपर जाने के लिए। फिलहाल मैं इसके ऊपर जा रही हूँ सीढ़ियों से, तो ये 3rd फ्लोर पहुँच गई और देखती हूँ पीनट बटर है कि नहीं, फूड आइटम ऊपर बोले हैं सबसे ऊपर वाले में, देखती हूँ। वैसे ये बन जाएगा अभी, प्लीज़ ज़ियान का पीनट बटर तो मुझे मिल गया है, और मैं लेती हूँ इसका बिलिंग करा लेती हूँ और भी कुछ देख लेती हूँ ड्रेस वगैरह। बातों बातों में अभी नीचे में आ गई, बाप रे मैं नीचे थी अभी टॉप पे से आ रही हूँ, नीचे बिलिंग नहीं था, सबसे ऊपर टॉप पे जाना पड़ा बिलिंग के लिए। आज रोज में काफ़ी थकावट हो गई है, मैं घर जाके फ्रेश हो गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहंदी लगता है, जिन्हें भी ईद के टाइम पे मेहंदी लगवाना आराम से लगवा सकते हैं। मैं चली ऑटो करूँगी घर जाऊँगी, फाइनली मेरा शॉपिंग कुछ कुछ हो गया। पता है उनके लिए खाने पीने का फूड वगैरह का भी पूरा इंतज़ाम है, रात भी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे 2-3 महीना के बाद अच्छा हो जाएगा बिग बाज़ार, अब स्मार्ट बाज़ार हो जाएंगे। काफ़ी सारी मछलियाँ ऑरेंज कैसे? 100 का। चलिए पैसे काट लिए। 2 किलो 100। पैदल चलूँगी फिर घर आ जाऊँगी, और यहाँ पे से मैं सुधा का दूध का पैकेट ले लेती हूँ। सुधा गोल्ड पैकेट है,
आधा का गोल्ड बंद हो गया। तो कौन वाला पैकेट जो है वो दे दीजिए। काट ले आप। मुझे रास्ते में चौंका हुई था, मुझे एकदम से मेरे घर के करीब आ गया। फाइनली मैं पहुंच गई और वो मेरा टोटो जो मुझे यहाँ तक छोड़ गया और बस मेरा घर सामने है और चलते हैं बच्चे लोग को देखते हैं। बाप रे इतना देर, काफ़ी टाइम छोड़ दिया। मेरी बहन भी रोज़े में है, उससे भी बच्चे लोग परेशान करते होंगे। जुनैरा रिजियान का क्या हालत होता है चेक करते हैं जाकर। और कितना प्यारा व्यू है अभी यहाँ पर का, कितना प्यारा घर आ गया। बोलो, शाम का टाइम है, कितना प्यारा व्यू है। और मैं थक गई, अभी तक गेट नहीं खुला, खुलेगा। और खुल गया गेट। ज़ियान और ज़ुनैरा, लो बेटा आपके लिए इतना सारा मम्मी सामान लाई। माशाल्लाह, देखो ज़ुनैरा कितना बदमाशी हो रहा है। और मेरे रूम को मेरा चाय बन गया। मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही आज, क्योंकि आज मैं काफ़ी थक गई हूँ। चाय तो मेरा रेडी हो गया, मैं जा रही हूँ रूम। और ज़ियान बेटा आप भी पियोगे, ज़ुनैरा भी पियोगी। पूरा रूम में शापर फेंका हुआ है जो मैंने आज शॉपिंग करके लाई थी। क्या हुआ ज़ियान, पीना है? और अब मैं चाय के बाद, और ज़ियान का खाना पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, प्यारा लग रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लाइट भी कट चुका था, तो मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हो गया, रोज़ा इफ्तार, नमाज मगरिब का अदा हो चुका। और अब बाबू लोग भी थोड़ा सा परेशान था दिन भर किचकिच, तो अभी वो लोग आराम पे हैं। और हम भी अभी आने के बाद कोई भी वीडियो नहीं बना रहे हैं, बिकॉज इसलिए कि मैं भी थोड़ा थकी हुई हूँ, थोड़ा आराम करूँगी। और जो मैंने ड्रेस लाया है वो इंशाल्लाह कल आपको मैं दिखाऊँगी। और अभी कितना प्यारा लग रहा है चांद, माशाल्लाह वीडियो बहुत अच्छा कैप्चर हो रहा है। तो तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।